हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 जहाँ से हमारा बाकी था, मैंने आपको प्रॉपर्टी सब समझाई। पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ओके, तो अभी जो रेशनल नंबर्स था उसका पेज नंबर 3 पर आ गया। यहाँ पर बताया है -25 नंबर लिखा है, राइट। ये अभी आपको लिखना ही है, एग्जाम्पल से लिखना स्टार्ट करना। आप ये चीज समझ लो कि -25 है दोस्तों, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। -25/1 लिखा तो इसको हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा, मतलब -25 क्या है, रेशनल नंबर है, राइट। तो यहाँ पी की वैल्यू -25 और क्यू की वैल्यू 1, देयरफॉर रेशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो इसके अंदर इंटीजर्स भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गया, राइट। ये इंटीजर है, -25 क्या है, इंटीजर, और ये क्या है, नेचुरल नंबर, राइट। अगर हम जीरो लिखना चाहते हैं तो जीरो को भी हम लिख सकते हैं 0/1, राइट। तो जीरो को भी ऐसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, तो पी क्या होगा, इसमें 0 होगा और वो होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, राइट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। यू ऑल्सो नो दैट द रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, राइट। रेशनल नंबर्स को यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओके। फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, तो 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, है। फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10/20 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25/2 क्या होगा, 50, 25 बन जाओ 25/2, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। और 47 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 47/47 क्या होगा, 94, राइट। दीज आर यू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। However, we say that p upon q is rational number, or when we represent p upon q on number line, we assume that q not equal to 0. Q not equal to 0 होना चाहिए, and that p and q have no common factors other than 1. तो p upon q में लिखेंगे तो 1 के अलावा कोई common factor नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 upon 4 लिखते हैं तो हमने common factor 2 है, इसको हम जानते हैं कि power into 2, 2 into 2. तो रेशनल नंबर्स में यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ देखेंगे 2 10 बन जा और 10 2 जा, राइट। तो 10 दोनों में कॉमन है, यहाँ देखेंगे 25 बन जा 25 2 जा, तो 25 कॉमन फैक्टर है दोनों में। यहाँ देखेंगे 47 बन जा 47 2 जा, तो 47 दोनों में कॉमन फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिक नहीं लिख सकते। जैसे 1/2 है उसको 2/4 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो सबका मतलब सेम ही होता है कि 1/2, राइट। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, हाउएवर तो ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि कोई कॉमन नंबर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है, कॉमन नंबर से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसलिए यूनिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हम रेशनल नंबर्स का। तो दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, मतलब दोनों का सबका मतलब सेम ही रहता है, वैल्यू सेम रहती है। हाउएवर व्हेन वी से पी अपॉन क्यू इज रेशनल नंबर और वी रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू ऑन नंबर लाइन, वी अज्यूम दैट क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमने पहले भी देखा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं 1/0 तो ये इनफाइनाइट लिखा है, राइट, इनफाइनाइट। या तो लिखते हैं 50/0, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, राइट। When we say p upon q is rational number or we represent p upon q on number line, we assume that q not equal to 0,
and that p upon q have no common factors other than one, right? So p upon q में one के अलावा कोई common factor नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो two है, यहाँ पर ten है, meaning है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम number line पर उसको easily बता सकते हैं। number line पर बताने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें common factor को निकाल देना पड़ेगा, right? So on the number line among the infinitely many fractions equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them, right? तो ये सबको अगर represent करना है तो हम 1/2 को represent करेंगे तो same number represent हो गया। Now let us solve some examples about the different types of numbers which you have studied in earlier classes. तो पहले आप पढ़ चुके हैं ऐसे numbers को, अलग अलग type के numbers को सॉल्व करने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये तो फॉल्स है, राइट? ये एग्जांपल्स आपको लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में से लिख दोगे तो भी चलेगा, ये मैं समझा देता हूँ। एवरी होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज होल नंबर but not natural number, so it is false. Then every integer is rational number, तो integer तो rational number है, p upon q form में हम लिख सकते हैं उसको, किसी के लिए अपन ने वाले लिख तो p upon q हो गए, true because every integer n can be expressed in the form m upon 1, so it is a rational number, right? कोई भी m integer है उसको हम m upon 1 लिख सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो रेशनल नंबर इंटीजर है, ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया, बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, 3/5 अगर हम लिखते हैं तो ये भी इंटीजर नहीं है, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल वन हो गया, फिर एग्जाम्पल टू हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो आज मैंने जो समझाया आपको उसमें से एग्जाम्पल वन लिखना है और फिर क्या करना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेज देना है जिससे आपका अटेंडेंस हो जाएगा, ओके? वीडियो देखने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देना, अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना।